अपनी जगह, लेकिन जो नियम बनाए गए जनता ने उसे पालन किया। हमारे साथ वीना मानवी है, समाज सेवी, इनका दायित्व काफी बढ़ जाता है। वीना जी, काफी ये सुनना जरूरी था, 14 मिनट का वक्त हमने दिया खासकर इस पूरे पैनल को, और आपकी बात हमने इसलिए लास्ट तक बचा के रखी कि आप अपनी बात इस पर रखें। कन्हैया बिलारी ने गांव का जिक्र किया, उस चलंत टीकाकरण वैन का जिक्र हुआ जो गांव तक अभी तक शायद पहुंच पाई है, या रास्ते में होगी या पहुंच गई होगी, तो अभी उसका फाटक खुलना बाकी होगा। लोगों में अभी भी जो अनुशासन की कमी है वो गांव तक, गांव में दिख रही है जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही, नाच गाना, गौनई, बारात, तमाम तरह की चीजें हो रही है, 200-500 लोग उसमें इकट्ठा हो रहे हैं जो कन्हैया जी ने बताई। तो इन सबको देखते हुए हमें कितने तरह की लड़ाइयां लड़नी होगी, जो शहर में हम देख पा रहे हैं उससे हम निश्चिंत हो जाएं कि लॉकडाउन 4 के बाद ये आखिरी है, इसके बाद हम लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, हम लोग कोरोना खाते हैं, कोरोना खाते हैं कन्हैया जी, मुझे नहीं आप जाकर कोरोना खाता है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वीना जी, वीना जी आप लोगों ने बोल लिया, आप लोग कहीं ना कहीं पत्रकार हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सरकार की बातें करते हैं, लेकिन बीइंग अ सामाजिक कार्यकर्ता मैं आप लोगों को जरूर ये बात पूरे बिहार वासियों को बोलना चाहूंगी कि सरकार अपना काम कर रही है, देर से होगा, दुरुस्त होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं ना कहीं लापरवाही थी जो हमारे बिहार में इतना ज़्यादा कोरोना सिस्टम हमारा फेलियर थोड़ा तो था ही, तैयारी नहीं थी। लास्ट टाइम लोगों ने कहा कोरोना चला गया आ गया, फोर्थ लॉकडाउन के बाद कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना हमारा बिल्कुल खत्म ही हो जाए, तो इस हिसाब से पता चला पूरे साल हम लोग घर में बैठे रहेंगे, ये कहीं से इसमें सिर्फ और सिर्फ हम और आप आम जनता, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, आप बिल्कुल इंतजार ना करें किसी भी चीज़ का, आप अपनी सुरक्षा खुद करें, बाकी दोषारोपण तो चलता रहेगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर रहा है, और सिस्टम को ज़्यादा दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि घर का एक मुखिया अपने 12-13 परिवार के लोगों को नहीं संभाल पाता है, तो देश का एक व्यक्ति या सरकार का एक व्यक्ति पूरे इतने करोड़ों की आबादी को संभालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोरोना का फोर्थ लॉकडाउन आया है, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग की फिफ्थ ना हो, और अपनी सुरक्षा, अपनी बचाव हम खुद कर सकते हैं अगर हम जागरूक रहेंगे तो, और इस तरह जमात में आप लोग ना निकले। मैं यही बोलूंगी आप लोगों से कि मौका मिला है कि इस बार जनता को जागरूक होने की जरूरत है, बाकी सरकार का काम तो जो होता है वो करेंगे ही करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारी करके बैठे हैं, बस ये आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी। चलिए कन्हैया बिलारी जी के पास सीधे चलते हैं। कन्हैया बिलारी जी, हमें जरा ये बताइए, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में और हमें कहने में भी कि आप जन जागरूकता की उस सभी पहलुओं को ध्यान में रखें, जागरूक रहें, घर में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बार बार हाथ को धोएं, इधर से धोएं उधर से धोएं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या